जरूरत और जबरदस्ती में अंतर समझो, जरूरत और जबरदस्ती में अंतर समझो, यह एक महामारी इसे मजाक ना समझो, यह एक महामारी इसे मजाक ना समझो। नमस्कार, मैं शगुन शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर हिम रश्मि परिसम विकास नगर शिमला की छात्रा, आज जो आपके सामने विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ वह है कोरोना वायरस। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारे विश्व में कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है, जिसने विश्व के हजारों लाखों लोगों की जान भी ले रही है। लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि वह वैसे व्यक्ति है जिन्हें कोरोना वायरस छू भी नहीं सकता, परंतु उन्हें कौन समझाए कि कोरोना वायरस कभी भी जात पात अमीरी गरीबी नहीं देखता। अगर उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी कोरोना वायरस हो जाता है तो वह एक से अत्यधिक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित कर सकते हैं। इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपनी बीमारी को ठीक करने के बजाय छुपाते व भागते जा रहे हैं। अगर कोरोना वायरस इतना फैला है तो वो आपकी वजह से फैला है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे देशवासियों की जो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, और वह है डॉक्टर, पुलिसकर्मी व सफाई कर्मचारी। मैं इनके साथ साथ कुछ शहीद डॉक्टर पुलिस कर्मचारी को शुक्रिया आदा व आदर सम्मान करती हूँ, जिन्होंने आज अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जैसा कि आपको पता है, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा था, जिस ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें, और वह है हाथ न मिलाए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए, दुकान में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखे, बार बार हाथ धोए, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, व खांसी सर्दी जुकाम बुखार होने पर अपने नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, कृपया घर पे रहिए व सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।